हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिक जाएगा। वो अपनी पत्नी नक्सलियों के हवाले वो अपने पत्नी का मंगलसूत्र पहले सही करा। उन्होंने अपने पत्नी को सही नहीं रख पाए, पत्नी छोड़ करके भाग के आए। सब भारत के करोड़ों महिलाओं को मिलेगा, सब लोगों के पास कार्ड पहुंच चुका है, गारंटी कार्ड है। मोदी सरकार किसके लिए ठीक है? वो अमीरों के लिए ठीक होगा, गरीबों के लिए नहीं है। मोदी सरकार, मोदी जी क्या काम किए? कुछ नहीं किए, हम लोगों को बर्बाद कर दिए, ना नौकरी दिए, ना युवाओं को, युवाओं को एकदम बर्बाद करके रख दिए। धर्म पे बात करेंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर, वो रोजगार बेरोजगार पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, वो बात नहीं हुई, कभी नहीं बात होती है। इस पे बात हो रही है, उनको तो बस हम मंदिर बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए, और ये मुसलमान है हिंदू है जातिगत मामला पर लड़ा रहे हैं। रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा कुछ दिन में, 5 किलो राशन दे के। यहाँ पे जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा, संयुक्त जनसभा है। यहाँ पे जो है बांस गाँव में सदल प्रसाद को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके पक्ष में प्रचार करने की दोनों बड़े नेता जो है कोशिश कर रहे हैं। क्या माहौल बदलता हुआ दिख रहा है यहाँ की जनता से जान लेते। जी बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? संगम यादव। संगम यादव जी कहाँ से? देवरिया से। देवरिया से आए हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं? देवरिया का माहौल थोड़ा बताइए हमको। देवरिया में एक तरफा वहाँ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह की जीत हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया का दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हैं देवरिया चीनी मिल का कटोरा कहा जाने वाला, जिसका शिलान्यास हो चुका देवरिया का, जो देवरिया भटनी और बैतालपुर का, और आज तक वो चीनी मिले चालू नहीं हो पाई। सांगमढ़ी का तो छवि बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है, देवरिया में एक भी विकास सांगमढ़ी त्रिपाठी की हो तो बता दीजिए। सांगमढ़ी को मौका ही काम मिला, उनके पिताजी को मौका मिला था, सांगमढ़ी को काम मौका मिला, उनके पिताजी को मौका मिला, उनके पिताजी को मौका मिला था, तो उनके पिताजी ने क्या किया? अखिलेश प्रताप सिंह अगर विधायक रहे, रुद्रपुर बगल में है, आप विधानसभा के विधायक रहे, आप जाके देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जब विधायक थे कम से कम 200 करोड़ रुपया का काम उन्होंने अपने जो है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, विधायक थे, फिर भी वो हमारे नेता महबूब नेता अखिलेश यादव जी से मिल करके उन्होंने रुद्रपुर में 200 करोड़ का काम करा के पुल पुलिया सड़क बनाने का काम किया, विकास पूर्व का अखिलेश प्रताप सिंह। वो जब सदल प्रताप सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, सदल प्रताप जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, और दो दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, वो 3 बार से जनता उनको समझ नहीं पाई और 3 बार से चुनाव हार रहे हैं, तीसरी बार वो चुनाव जीत रहा है, देख लीजिए आम जनमानस इस बार समझिए कि नहीं, इस बार तो कम से कम कोई लड़ाई नहीं है, वो 3 लाख से ऊपर से चुनाव जीत चुके हैं सदल प्रसाद जी। ये बताइए मोदी जी ने कहा, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरा नाम है बृजराज प्रसाद पाती, अब बांस गांव लोकसभा से विधानसभा चौरी चौरा क्षेत्र ब्रह्मपुर ब्लॉक का ग्राम करही का निवासी हूँ, और ये जो चुनाव हो रहा है जाति पात से ऊपर उठ के हो रहा है, देश हित की बात के लिए हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिक जाएगा। वो अपनी पत्नी नक्सलियों के हवाले वो अपने पत्नी का मंगलसूत्र पहले सही करें, उन्होंने अपने पत्नी को सही नहीं रख पाए, पत्नी छोड़ करके भाग के आए, और अपनी पत्नी को नहीं रक्षा कर पाए तो दूसरे का क्या रक्षा करेंगे? मोदी जी को विकास पे बात करना चाहिए, युवाओं को रोजगार की बात करना चाहिए, और वो मोदी जी मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, मुद्दों को डाइवर्ट, और बीजेपी भटकाती है, युवा बेरोजगार है, हर साल 2 साल नौकरी दे रहे थे 2 करोड़, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, यह सच्चाई है, हकीकत है, युवा बेदम बेरोजगार है। तो यार ये जो 8,500 महीना वाला बात है गरीब महिलाओं को देने का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, ठीक, तो ये मिलेगा? ये अलग एकदम मिला है, कार्ड हम लोग के पास आ गया है, और 8,500 जो उसके पात्र हैं सब भारत के करोड़ों महिलाओं को मिलेगा, सब लोगों के पास कार्ड पहुंच चुका है, गारंटी कार्ड है, मैं हमारे घर पर वाली गारंटी और इस वाली गारंटी कार्ड में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, मोदी वाली गारंटी काम नहीं कर रही, जुमला है मोदी वाली, तो जुमला है, हाँ वो खुद बोलते हैं जुमला है। क्या क्या निकला जुमला? क्या नौकरी, ठीक, 15 लाख रुपए, हम लोग को क्या चाहिए, बस नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हाँ। तो उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं की है, 4-5 साल NCC किए हैं हम खुद, बताइए 5 साल खुद NCC किए हैं हम, अग्निवीर वाले से खुश हैं कि नहीं है? नहीं है, 4 साल की नौकरी, ये बताइए थोड़ी ना है, कैसी योजना है? इंडिया गठबंधन की सरकार जो लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अग्निवीर को पहले हटाएंगे और उसको परमानेंट होगा। चाचा जी आप लोग के लिए बुजुर्गन करते हैं कुछ, मोदी सरकार कह ले, मोदी सरकार हम गरीबों के लिए ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक। मोदी सरकार किसके लिए ठीक है?
वो अमीरों के लिए ठीक होगा, हम गरीबों के लिए कोई ठीक नहीं है। मोदी सरकार, मोदी सरकार हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए नहीं है, हम लोग के लिए नहीं। क्या हुआ? मुकेश अंबानी के लिए हम लोग नहीं, गरीब के लिए मोदी नहीं ठीक है। अरुआ सरकार हम लोग को नहीं चाहिए, परिवार वाला सरकार हमको चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो राहुल गांधी को पसंद करते हैं? यस यस, हम पसंद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। हाँ हाँ, तो इसके पहले कभी देखे थे अखिलेश राहुल गांधी को? एकदम बहुत बार देखे थे, 87 पे आए थे। हाँ तब देखे थे। हाँ, कुछ छवि अभी बदली है 2-4-5 सालों में उनकी? अखिलेश यादव का नहीं, नहीं राहुल गांधी का। राहुल यादव बहुत बढ़िया नेता है, हम लोग तो उससे जीत जाए वो विजय हो जाए भगवान की कृपा से ही हम लोग दुआ। आइए भाई साहब, आप ही आइए, हमारा चश्मा उश्मा लगाए, कुछ बातचीत किया जाए। क्या शुभ नाम है आपका? निहाल अहमद। तो निहाल अहमद जी, आपके समुदाय के लोग किधर जा रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल आंख बंद करके कांग्रेस की ओर। उन्होंने अभी मोदी जी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि SC ST का जो हक है वो मुसलमानों को देने का काम अगर इंडिया गठबंधन आएगी तो करेगी। तो क्या लगता है ये टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है? मोदी जी पिछले 10 सालों से बयान दे रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है उनसे। हाँ। ठीक है, तो उनके बयान पे जनता भरोसा करना बंद कर दिए। अब मोदी जी का आँख कान खोल चुकी है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं और क्या कर लेंगे, उनको एकदम साफ पता चल चुका है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। क्या माहौल है? 400 बिल्कुल, ये लोग का सपना सपना रह जाएगा, इन लोग का बिल्कुल सपना रह जाएगा, बिल्कुल। कांग्रेस नाम पड़ेगा भाई साहब? धर्मेंद्र यादव। पगड़ी लगाए तो तुम पहचान गए यादव जी? हाँ, पहचान। तो यादव जी, अच्छा एक बात बताइए, सारे यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के होते हैं? हाँ होते हैं ना सारे यादव। हाँ होते हैं। 4-5% मोदी जी के साथ नहीं होंगे? नहीं होते हैं, लेकिन सब होते हैं, कोई नहीं मोदी की तरह, सब अखिलेश की तरह है। अखिलेश जी युवाओं के लिए तो काम किए ही थे? बहुत काम किए हैं मोदी जी के। मोदी जी क्या काम किए? कुछ नहीं किए, हम लोगों को बर्बाद कर दिए, ना नौकरी दिए ना युवाओं को, युवाओं को एकदम बर्बाद करके रख दिए। तो युवा चाह रहा है कि अखिलेश की सरकार है, इंडिया गठबंधन की एकदम बिल्कुल चाह रहा है सरकार। तो बदलेगा कुछ, माहौल बदलेगा, पूरा माहौल बदलेगा, आएगी आपकी सरकार। वकील यादव मेरा नाम है। योगी जी और मोदी जी तो कुछ धर्म पे बात ही नहीं, वो तो बस धर्म पे बात करेंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर, वो रोजगार बेरोजगार पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, उस पे बात नहीं हो रही, कभी नहीं बात होती है। किस पे बात हो रही? उनको तो बस हम मंदिर बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए, और ये मुसलमान है हिंदू है जातिगत मामला पे लड़ा रहे हैं, जातिवादी और जातिवादी पे मामला लड़ा रहे हैं, राजनीति और हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं, शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें, कुछ पे बात ही नहीं हो रहा है। गठबंधन की सरकार में इंडिया गठबंधन एकदम 100% एकदम खुला जा रहा है, एकदम सदर प्रसाद जीत रहे हैं बांसगांव से, यहाँ से अखिलेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं देवरिया से, एकदम कोई निकल एकदम सीट निकल रही, तीनों सीट, गोरखपुर सदर निकल रहा है, गोरखपुर सदर भी निकल एकदम निकल रहा है, डंका निशा जीत रही, एकदम काजल निशा जीत रही है डंका। क्या नाम है जी तुम्हारा? साबिर अली। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ यार। साबिर अली, हाँ। तो यहाँ आप किसको देखने आए हो? तुम्हारा घर यही? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, हाँ। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 17 साल। अखिलेश यादव के फैन हो तुम? हाँ। प्रमुख जी बताइए, क्या माहौल चला था बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के? बांसगांव सलीमपुर तो बड़ा हुआ है, बांस मेहनत हम लोग डोर डोर किए हैं, केवल बचा है नहीं, तो हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, चुनाव अपने पक्ष में है। देखिए मंदिर, पाकिस्तान मुस्लिम ये सब जनता जान गई है, मंदिर बनवाएंगे वहाँ भिखारी पैदा होगा, स्कूल बनवाएंगे तो गरीब के बच्चे शिक्षा लेंगे, वो नौकरी पाएंगे। हाँ देखिए, बेरोजगार तेजस्वी, नहीं सुनिए, तेजस्वी यादव ने बिहार में 1.5 लाख से ऊपर नौकरी दिया है, 5 लाख 1.5 लाख, जिसमें हमारे बेल्ट के 5-7 लड़कियां प्रजापत का, मतलब उत्तर प्रदेश से निकल के सब बिहार, बिहार भर्ती हो गए नौकरी कर रहे हैं। वो सरकार अच्छी थी कि रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा कुछ दिन में, 5 किलो राशन दे के 1200-1500 में, अभी देखिए चुनाव बाद 1500 करेंगे सिलेंडर, ये झूठे। बताइए, अभी कुछ दिन पहले जब विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश और जगहों पर हो रहा था, तो वहाँ पे भाजपा ये कह रही थी कि 500 का गैस सिलेंडर देंगे सरकार बनती है, तो उत्तर प्रदेश के लिए वो चीजें क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ दे रही? दे रही है। तो उसके लिए क्या वो भी एक मुद्दा बन रहा है? मुद्दा बन रहा है। स्मृति ईरानी जो आपके भारत सरकार के मंत्री हैं, वो कभी आप देखेंगे चूड़ी और गैस सिलेंडर, मनमोहन सिंह हमारे विश्व के 5वां नंबर के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, आप जानते हैं ना, उनको चूड़ी और गैस सिलेंडर आज क्यों नहीं भेज रही है? आज क्यों नहीं अपने, हाँ,
देखिए बीजेपी में कोई दम नहीं है, वो कर लिए जो करना था, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया मंदिर मस्जिद वो भी सब तो खत्म हो गया। किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? हमारे सब नौजवान बेकार हैं, एक हमारे नौजवान बेकार हैं, बाप सर्विस करता होगा चलाएगा घर तो ये नौजवान क्या करेंगे। मैं ब्राह्मण परिवार में गया था, सीतमा नक यहाँ है, हम थे और पूर्व विधायक खोखा सिंह, हम लोग 50 लोग थे, तो वो मास्टर थे, तो हम कहे कि बताइएगा मौत, इनसे पूछिए इनके अंतरात्मा क्या बात है, वो अपने कहेंगे क्या माहौल है, हम लोग को जानना था। तो कहे कि भाई किसी दल के होंगे, लेकिन ये ससुरन के हटावल जरूरी है, इसी बीजेपी के, हाँ बीजेपी के, कहना कि आई देखी तो बाद में जानिए, कहना प्रमुख जी देखिए दो नाती बी डी सी के 3 साल हुआ मिश्रा थे, और दो लड़का हमारे बी डी सी के 4 साल हो गया, किसके यहाँ हमारा लड़का जाएगा, हमारा लड़का तो मिला जुला के इस बार बीजेपी जो है जा रही है। क्या काम नाम है आपका? बेचन प्रसाद पूर्व प्रधान डाला, बेचन प्रसाद पूर्व प्रधान डाला। तो क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल क्या देखना है, माहौल यही है कि सदर प्रसाद चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, पक्का है, पक्का है, कंफर्म, एकदम कंफर्म। 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, चुनाव पढ़ने के 3 दिन पहले की रिपोर्ट बता रहे हैं? हाँ बता रहे हैं। चलिए, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा का बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में कितना असर होने वाला है ये तो देखने वाला विषय होगा, लेकिन 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब रिजल्ट सबके सामने होगा। 1 जून को यहाँ आखिरी चरणों में मतदान है, अब बहुत कुछ निर्भर करने वाला है कि यहाँ बांसगांव लोकसभा क्षेत्र और देवरिया का जो लोकसभा क्षेत्र है ये क्या कुछ यहाँ की 2 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के साथ खाते में जाने वाली हैं या नहीं, एक सवाल है, और वो सवाल का जवाब 4 तारीख को जरूर मिलने वाला है।